हेलो दोस्तों, यूनिक नॉलेज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एंड आज का हमारा टॉपिक है हॉर्निंग प्रोसेस। हॉर्निंग प्रोसेस एक्चुअली कैसे की जाती है, उसका एनिमेशन हम पहले देखेंगे। एंड हॉर्निंग से क्या एप्लीकेशन है, उसका क्या एडवांटेज है, एंड कौन कौन से टाइप के हॉर्निंग मशीन्स आते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, व्हाट इज हॉर्निंग प्रोसेस? सो हॉर्निंग प्रोसेस इज वन काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये एक टाइप की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें मेटल को फिनिशिंग किया जाता है। मीन्स एक बार मेटल कंपोनेंट बन जाता है आइदर फ्रॉम कास्टिंग और एनी अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसके बाद जब उसका सरफेस अच्छे से फिनिशिंग करना है ना, तब ये हॉर्निंग प्रोसेस एट द एंड की जाती है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है वो पूरा हॉर्निंग टूल है। ठीक है, ये जो पूरा टूल है दैट इज द हॉर्निंग टूल। ओके, एंड इसके ऊपर आप जो ग्रीन सरफेस देख रहे हो ना, पूरी पेरीफरी पे बाउंड्री पे ये ग्रीन सरफेस, ठीक है, ये सभी छोटी छोटी स्ट्रिप्स ग्रीन कलर की, दैट ऑल स्ट्रिप्स आर कॉल्ड एज हॉर्निंग स्टिक्स। ये सभी स्ट्रिप को हम हॉर्निंग स्टिक्स बोलेंगे। ठीक है, सो ये ऐसे मीन्स सर्कुलर पेरीफरी में रखी जाती है और फिर उसको बाइंडिंग किया जाता है इलास्टिक मटेरियल से ऐसे रिंग लगा के, ठीक है, ताकि एक्सपांशन भी पॉसिबल हो पाए। नाउ हम दूसरा देखते हैं आगे, ये सब हॉर्निंग स्टिक्स हैं। ओके, लेट्स सी फर्दर मोर। यहाँ पे आप जब ऊपर से, फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका डायामीटर है, कोई भी एक डायमीटर ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज द डायमीटर सरफेस। ओके, एंड जब आप ऊपर से यहाँ से प्रेस करोगे तो ये हॉर्निंग स्टिक एक्सपांड हो जाएगी। एक्सपांड होने के बाद क्या प्रोसेस होता है ये हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऊपर से प्रेस किया, सो वो एक्सपांशन हुआ उसका, एंड वो सरफेस पे टचअप हो गई सब हॉर्निंग स्टिक सर्क्यूलर मैनर में। अभी आगे क्या प्रोसेस होता है वो देखते हैं। सो अभी जस्ट टचअप होने के बाद उसको रेसिप्रोकेट एंड रोटेट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार दबाया, प्रेस किया, सरफेस टचअप विद हॉर्निंग स्टिक्स, एंड नाउ रोटेशन एंड रेसिप्रोकेट, रोटेशन एंड रेसिप्रोकेट फॉर रिमूविंग एंड जनरेटिंग फाइन फिनिशिंग। ठीक है, मटेरियल को रिमूव किया जाएगा एंड फाइन फिनिश है वो यहाँ से जनरेट कर पाओगे आप ऐसे। ठीक है, सो यहाँ पे आपका पिक्चर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हॉर्निंग कैसे वर्क करती है। नेक्स्ट, कौन कौन से टाइप की हॉर्निंग प्रोसेस आती है एंड उसके कंपोनेंट हम देख लेते हैं। सबसे पहला ये जो है येलो कलर का, वो स्टेबल वर्कपीस है, मीन्स वर्कपीस है, वो हिलता नहीं है, वो फिक्स है। ठीक है, और उसके अंदर हम टूल को घुमाते हैं। सो ये कंडीशन में टूल है वो मूवमेंट करेगा लेकिन वर्कपीस की पोजिशन है वो फिक्स रहेगी। दूसरा, कूलेंट सप्लाई, जो ब्लू पाइपलाइन दिख रही है वहाँ से आप कूलेंट सप्लाई कर सकते हो। इंटरनली भी ये डाल सकते हो, एक्सटर्नली भी डाल सकते हो, ठीक है, कूलेंट सप्लाई। लेकिन हॉर्निंग जो जनरली यूज़ किया जाता है वो इंटरनल सरफेस के लिए, मीन्स ये नोजल है वो इंटरनली आएगी, मीन्स साइड से आप रखोगे और वहाँ से आप स्प्रे करोगे। ठीक है, देन आफ्टर हॉर्निंग टूल, ये जो आपको यहाँ पे टूल दिख रहा है दैट इज़ द हॉर्निंग टूल, और ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, ये सब हॉर्निंग टूल्स है। नेक्स्ट, रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग शाफ्ट, तो यहाँ पे ये जो वाला शाफ्ट है वो हॉर्निंग टूल को कंट्रोल करता है, मीन्स शाफ्ट पे ये हॉर्निंग टूल लगाया जाता है, एंड जैसे ही शाफ्ट रोटेट होगा ये हॉर्निंग टूल रोटेट होगा। ठीक है, शाफ्ट रेसिप्रोकेट होगा, हॉर्निंग टूल भी रेसिप्रोकेट होगा। सो ये थे कंपोनेंट्स। एक बार फिर से, ये जो येलो कलर का है वो स्टेडी वर्क पीस है, ये जो है वो कूलेंट की पाइप है, ये जो लगाया हुआ है टूल दैट इज हॉर्निंग टूल, एंड यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटेटिंग शाफ्ट अभी तक दिखाया है। ठीक है, और बाजू में आप यहाँ पे देख पा रहे हो हॉर्निंग प्रोसेस, ठीक है, कि बिल्कुल इसी तरह से हॉर्निंग होता है, मटेरियल रिमूवल होता है। नेक्स्ट, ये जो सरफेस फिनिश जनरेट की है दैट इज़ फ्रॉम दी हॉर्निंग प्रोसेस। सो क्वेश्चन होना चाहिए माइंड में कि हॉर्निंग क्यों जरूरी है, व्हाई हॉर्निंग इज नेसेसरी, क्यों हॉर्निंग प्रोसेस करना है। सो कॉस्ट इफेक्टिव मशीनिंग मैथड फॉर हॉर्निंग जो है वो मशीनिंग मैथड है, कॉस्ट इफेक्टिवली। कौन सी? तो बोले कि रिमूविंग ऑफ द स्टॉक, जो मटेरियल है उसको रिमूव करने के लिए। दूसरा, जनरेटिंग एक्सैक्टिंग परफेक्शन साइज मेंटेन करने के लिए, ठीक है, हॉर्निंग जरूरी है। थर्ड, बोर टॉलरेंस, जो इंटरनल बोर डायमीटर है उसका टॉलरेंस मेंटेन करने के लिए। फोर्थ है बोर पॉलिशिंग, बोर को अच्छे से पॉलिशिंग करने के लिए हॉर्निंग जरूरी है। एंड फिनिशिंग बोर्स ऑफ ऑलमोस्ट एनी मटेरियल सच एज स्प्रेड कोटिंग्स और CGI और सीरामिक्स मटेरियल एक्सेट्रा, कोई भी मटेरियल हो आप उसको हॉर्निंग कर सकते हो। ठीक है, नाउ हॉर्निंग प्रोसेस क्या है? द हॉर्निंग प्रोसेस प्रोवाइड्स
फाइनल साइजिंग एंड क्रिएट्स द डिजायर्ड फिनिश पैटर्न. फाइनली साइज देता है हॉर्निंग प्रोसेस एंड एक शेप, एक पैटर्न क्रिएट करता है. यहाँ पे आपको हैचिंग जैसे ही स्मॉल स्मॉल पैटर्न्स दिखेगी, ठीक है, ऑन द इंटीरियर ऑफ द ट्यूबिंग और द सिलेंडर बोर्स. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ट्यूब और द सिलेंडर बोर, जहाँ पे आप इंटरनली हैचिंग देख पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस हॉर्निंग प्रोसेस, बिकॉज टूल इज रेसिप्रोकेटिंग एज वेल एज रोटेटिंग. फिनिशिंग इज अकम्प्लीज्ड बाय एक्सपांडिंग एब्रेसिव स्टोन्स ऑफ सूटेबल ग्रिड एंड ग्रेड अगेंस्ट द वर्क सर्फेस. प्रॉपरली ग्रेन साइज के, ग्रिड साइज के जो हॉर्निंग स्टिक्स है उसको यूज किया जाता है, ठीक है, फॉर गेटिंग गुड सर्फेस फिनिश. ओके, द स्टोन्स आर रोटेटेड एंड रेसिप्रोकेटेड इन द पार्ट विथ हॉर्न एब्रेसिव अंडर कंट्रोल्ड प्रेशर. एक प्रॉपर प्रेशर देके उसको रोटेट किया जाता है, रेसिप्रोकेट किया जाता है, एंड कंबाइनिंग रोटेशन एंड रेसिप्रोकेशन प्रोड्यूसेस अ क्रॉस हैच पैटर्न इन द सर्फेस ऑफ द पार्ट बीइंग हॉर्न. जो जो पार्ट पे हॉर्निंग किया जाता है इंटरनल सर्फेस पे, जैसे कि बोर है या फिर इंटरनल सिलेंडर का हॉल है, उसके ऊपर जो हॉर्निंग प्रोसेस किया जाएगा वो हॉर्न जो टूल है वो पर्टिकुलरली रेसिप्रोकेट होगा प्रेशर के साथ एंड रोटेट भी होगा. सो ऐसी हैचिंग पैटर्न है उसके ऊपर जनरेट कर पाओगे आप एंड प्रॉपर उसको साइज दे पाओगे, फाइनल फिनिशिंग, फाइनल टचअप कर पाओगे. सो दिस इज द हॉर्निंग प्रोसेस विच इज यूजफुल इंटरनल सर्फेस फिनिशिंग एंड पैटर्न मेकिंग. ठीक है, सो हॉर्निंग इसलिए करनी चाहिए एंड यहाँ पे आपको समझा दिया है कि कैसे हॉर्निंग मीन्स हॉर्निंग प्रोसेस है उसमें क्या होता है एंड यहाँ पे आपको दिखाया गया है आफ्टर हॉर्निशिंग पार्ट कैसा दिखता है इंटरनली. सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही हॉर्निंग के बारे में. थैंक यू वेरी मच. प्लीज 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बैल आइकॉन इफ यू वॉन्ट मोर अपडेटेड, मोर नॉलेजेबल वीडियोज. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर.